अकोला 24 न्यूज़, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोट विधानसभा चुनाव के चिन्ह के बाद शहर में सभी पार्टियां अपने कामों में जोरों से लग चुकी है, जो कि कार्यालय महत्वपूर्ण होने के कारण सबसे पहले कार्यालय का ही उद्घाटन देखा जा रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के कार्यकर्ता का उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन के पार्टी के बड़े दिग्गजों के साथ सैयद यादव, अली शरीफ राणा, अक्रम पहलवान, अकील पटेल, गाजी पटेल, फाजुल पटेल जैसे कई बड़े मुस्लिम दिग्गज नेता भी मौजूद है। उद्घाटन के दौरान सैयद यावर अली व शरीफ राणा ने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही पार्टी का साथ तन मन धन से देने का वादा किया। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से मुखातिब होकर कहा गया, जो लोग यह कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के पास कोई रास्ता नहीं है और कौम के सौदागर सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को बहकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कहा गया कि मुस्लिम अब राजकरण को समझ गया है। मुस्लिम समुदाय इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी को इस सिलेंडर को भारी मतों से चुन कर लाएंगे। गौर करने वाली बात तो यह है कि अकोट शहर में मुस्लिम समुदाय के भारी कार्यकर्ता सैयद यावर अली, शरीफ राणा, अकरम पहलवान, अकील पटेल, गाजी पटेल जैसे दिग्गज समुदाय के नेता भारी मतों से गैस सिलेंडर को जीत दिलवाने में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अकोट से जफर खान की खास रिपोर्ट। सैयद शरीफ राणा साहब, आप वंचित बहुजन के कार्यालय के उद्घाटन में आए, तो आप अभी आपके समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोट मुसलमान मावा बहना युवा बच्चे, कोट मतदार संघ के मावा बहना युवा बच्चे और सभी समाज ने जो मेरे तरफ से समर्थन करे थे, मेरे भाई वकील लोगों ने, 24 वकीलों ने, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम को भी ये बताना चाहता हूँ कि भाई समय को देखते हुए बाला साहब अम्बेडकर जी ने जो मेरे से बात करे कि राणा जी तुम्हारा आकोट में तुमने नगर पालिका लड़े थे नगर अध्यक्ष, आज भी टिकट तुम्हारी है नगर अध्यक्ष, आने वाला इलेक्शन को ज़्यादा दूर नहीं है, वो मैं मेरे समाज के सभी समाज के लोगों की एक हिम्मत हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि अब आज आपने आपके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो इसमें आप अभी आकोट विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आज वंचित बहुजन आघाड़ी अकोट विधानसभा मतदार संघ के उम्मीदवार के रूप में मेरे पक्ष कार्यालय का यहाँ उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के समय जिले के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला आघाड़ी समेत विद्यार्थी आंदोलन बौद्ध महासभा के सभी लोग हाजिर। इस माध्यम से मैं अकोट विधानसभा मतदार संघ के सभी मतदारों को यह बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से अकोट में जो विकास का प्रश्न है वो बहुत ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ एक विकास महर के नाम का किसी को लेबल लगाने से विकास नहीं होता। विकास के असली मायने ये होते हैं कि यहाँ का जो किसान है तो किसान को खेत में आने जाने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते रोजगार अभी योजना के माध्यम से या PWD के माध्यम से वो रास्ते होने चाहिए। उसकी सिंचन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और किसान के माल को उसका हमी भाव भी मिलना चाहिए। यहाँ का जो बेरोजगार युवा है उस युवा के हाथ को काम मिलना चाहिए। यहाँ की MIDC की जो दुर्दशा है उसको ठीक करके MIDC Phase 1 Phase 2 करके यहाँ नए उद्योग शुरू करने चाहिए। यहाँ के विद्यार्थी जो है, यहाँ का जो युवा है उसके रोजगार के लिए और पढ़ाई के लिए यहाँ अकोट शहर में, यहाँ तेलारा शहर में एक सुशस्त्र अच्छी प्रशस्त लाइब्रेरी जो AC हॉल के साथ में हो, यहाँ की पढ़ाई करने के लिए ग्रंथालय शुरू करना चाहिए। साथ ही में मैं देख रहा हूँ कि सभी मेरे मतदार भाई जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनके लिए यहाँ कोई एक ऐसा कोई क्रीड़ांगन नहीं है जो उनके सुविधा के हिसाब से हो। यहाँ 2003 और 4 में हमारे पिताजी ने अकोट में एक क्रीड़ांगन क्रीड़ा संकुल सैंक्शन किया था, उसकी भी ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ कोई पिछले 10 साल से किसी आमदार ने ख्याल नहीं दिया। मैं इसी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ के आमदार जो चुन के आता है उसका पहला फर्ज होता है कि यहाँ के आवाम को सुख सुविधा देना, लेकिन इसमें खास करके यहाँ के जो अभी विद्यमान आमदार है प्रकाश जी भारसागरे, उन्होंने इस मतदार संघ की बहुत सी चर्चा करके रखी है। सिर्फ वोटो का पोलराइजेशन करके चुन के आना ये कोई बात नहीं होती है। यहाँ के जो नागरिक है, मतदार है, मेरे भाई और बहनें, उनकी सुविधा, उनकी रक्षा, उनके लिए सुख सुविधा देना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। मैं इसी आज के उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर अकोट की जनता मुझे यहाँ से चुन के देती है
तो मैं स्थानिक हूँ, मैं यहाँ के सभी सवाल और सभी प्रश्न जानता हूँ। विकास क्या होता है ये मुझे अच्छे से नज़दीक से मैंने देखा है। मंत्रालय में से काम कैसे लाते कैसे करते सब मुझे मालूम है। मैं निश्चित ही यहाँ का जो विकास है वो जो यहाँ का विकास का जो मुद्दा यहाँ जो प्रलंबित है वो मैं पूरी तरीके से सॉल्व करूँगा और अकोट मतदार संघ को पुनः विकास के राह पर लाने की कोशिश करूँगा।